तो गाइस आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल माइंड गुरुजी गेमिंग पर। और ये है अगला पार्ट जो कि हमारे सर्वाइवल सीरीज का है। तो गाइस मैंने बहुत ही ज्यादा काम किया था ऑफलाइन, मैं आपको सारा दिखाने वाला हूँ पहले। तो उसके बाद में गाइस हम नेदर में जाने वाले हैं और देखते हैं वहां पे अगर हमको कुछ ब्लेज वगैरह कुछ मिल जाएगा। तो गाइस प्रोटेक्शन की भी मैं सोच रहा हूँ कि ले लूँ, पर मेरे को प्रोटेक्शन वाला बंदा मिल नहीं रहा है, इतना टाइम हो गया। इस वाली चेस्ट के अंदर थोड़ा बहुत सामान पड़ा है, मतलब काफी सारा सामान पड़ा है, लेकिन ये फालतू क्या है। और इसको मैं रखूंगा, और तीन मैंने बुकशेल्फ यहाँ पे लगा दी हैं उनसे लेके विलेजर से। और भाई उसके बाद में मेरे को लगा कि लेदर की मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत है, तो मैं लेदर जो अपनी काउ वाला फार्म में ना पीछे हमारे वहां पे गया और सारे के सारे काउस को मार दिया। लगभग दो दो छोड़ी थी मैंने, और उनको उनसे वापस बहुत सारे काउ करके मैंने लगभग 40 लेदर ले लिया था, और आसपास जो और काउस थी उनसे भी लेदर ले लिया था सारा का सारा। तो गाइस अब मैंने जो अपने स्टोरेज सिस्टम है उसको बहुत ही ज्यादा बढ़िया कर दिया है। तो भाई ये देखिए गाइस, तो मैंने यहाँ पर चेस्ट लगा दी हैं और यहाँ पर आइटम फ्रेम भी लगा दिया, क्योंकि मेरे पास लेदर थोड़ा ज्यादा ही हो गया था इसलिए मैंने आइटम फ्रेम बना दिया। तो इसके अंदर जो है सारा लकड़ी का सामान होगा, ये देखिए गाइस सारा लकड़ी का, और ऊपर से मैंने कोल भी डाल दिया। और इसके अंदर गाइस हमारा जो खतरनाक वाला सामान है इसको मैंने थोड़ा ऊपर रखा है ताकि इसको कोई खतरा ना हो। तो भाई अगर मैं गोल्डन एप्पल इस ऊपर लगा दिया है, क्योंकि मैंने गोल्डन एप्पल बना लिया था, मेरे पास गोल्ड काफी हो गया था ना इसलिए। इसके अंदर भाई 5 डायमंड जो हमको पिछली वीडियो में मिला था लास्ट में, मतलब, और एमरेट्स तो भाई मैंने मतलब भंडार कर लिया था एमरेट्स का, और उससे मैंने बुक्स लिया बहुत सारी, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये सारी चीजें इसके अंदर, रेडस्टोन तो भाई बहुत ज्यादा हो गया, आयरन भी पड़ा है, इसको स्मेल्ट करने के लिए डालना है, इसको डाल देता हूँ पहले। मैं ब्लास्ट फर्नेस भी बनाई थी गाइस मैंने दो, एक तो मैंने यहाँ रखी हुई है और एक मैंने रखी हुई है इसके अंदर, ये रही। तो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर गाइस कोल डालना पड़ेगा, वो मैं कोल डाल देता हूँ पहले इसके अंदर। और ब्लास्ट फर्नेस का यूज भाई देख लो, आयरन कितनी जल्दी स्मेल्ट होगा इसके अंदर, इसलिए मैंने बनाई थी बस ये। और फर्नेसिस बाकी तो मेरी वही है ये। तो गाइस ये सारा सामान था। इसके अंदर जो हमारे टूल्स हैं वो है सारे के सारे टूल्स, जितने भी हमारे टूल्स हैं। डायमंड की मैंने स्वॉर्ड बनाई थी नई, और इसके अंदर पावर्स डालेंगे, इसीलिए मैंने सारी पावर्स लेके रखी हुई हैं, आपको दिखाऊंगा। इसके बाद है हमारे पास जितने भी ब्लॉक्स हैं सारे, बिल्डिंग ब्लॉक्स और फालतू का सामान। अरे इसमें खाना कहाँ से आ गया, ये चीजें गाइस इसके अंदर आएंगी। भाई ये पक्का नहीं हुआ ना इसलिए नहीं आ रहा इसके अंदर, तो ये डाल देता हूँ मैं इसके अंदर, और इसको डाल देता हूँ इसमें। हाँ तो गाइस इसके अंदर हमारे जितने बिल्डिंग ब्लॉक्स थे ये आ गए, और इसके अंदर आएंगे बेड वगैरह जो मैंने बेड बनाए हुए थे ना। इसके अलावा ये स्नो ब्लॉक्स हैं, ये और किसी चीज में नहीं आने वाले थे इसलिए मैंने इसके अंदर डाल दिए, और ग्लास भी डाला हुआ इसके अंदर थोड़ा सा। तो गाइस सारा सामान हमारा हो चुका है, मैंने आपको दिखा दिया। उससे भी बड़ी बात, मैंने यहाँ पर आर्मर बनाया है दो, गोल्ड का आर्मर पूरा का पूरा और डायमंड का आर्मर पूरा का पूरा। तो डायमंड तो हमको पिछली वीडियो में मिल ही गया था गाइस पूरा फॉर्चून 3 की वजह से। और विलेजर्स के साथ मैंने बहुत ज्यादा काम किया है इनके साथ, उनको भाई मैंने सभी को अंदर कैद कर दिया है, और दो बंदे बाहर बचे हैं जो कि मतलब इनके पास कोई जॉब नहीं है। ये वाला बंदा स्माइट वाला था, है स्माइट 4 वाला शायद ये। हाँ तो गाइस स्माइट 4 मैंने ले ली थी इससे एक बुक, ये देखिए गाइस इसका लेवल थोड़ा सा बड़ा हुआ है, इससे एक बुक मैंने ले ली थी स्माइट की। और बाकी सारे बंदे तो अपने वही पुराने वाले हैं, फेदर फॉलिंग 4 भी मैंने एक ली हुई है। तो एनचेंटमेंट डालनी पड़ेगी मेरे को, उसके लिए मेरे को एक्सपीरियंस लेवल चाहिए, और एक्सपीरियंस लेवल हमें आपको पता है किस तरीके से लेते हैं, हमको एक्सपीरियंस लेवल भी मिल जाता है और एमरेट्स भी मिल जाते हैं साथ में ही। तो पहले तो मैं इन सभी से स्टिक्स बनाने वाला हूँ भाई, बहुत ज्यादा स्टिक्स बनने वाली है, तो मेरे को लगता है इतने से तो होगा भी नहीं कि थोड़ी ज्यादा ही बन जाएगी, मतलब इतनी तो मेरे पास इन्वेंट्री भी नहीं है अभी, तो सभी के सभी से लेते हैं एमरेट्स, देखा गया। तो सारे के सारे एमरेट्स लेता हूँ और फिर बाद में दिखाता हूँ आपको। तो गाइस मैंने स्टिक्स का ट्रेड पूरा कर लिया है, और बाहर में मेरे को एक बंदे को बनाना पड़ा था फ्लेचर, और इसके बाद में मेरे को अभी ये स्टोन्स हैं इनको इनका भी ट्रेड करके आना है। इनको मैंने सभी को स्मेल्ट किया था भाई, मतलब ऑफलाइन मैंने बहुत ही ज्यादा काम किया था, और इससे भी देख लेता हूँ अगर वो ट्रेड देंगे बंदे तो। क्ले तो मेरे पास नहीं है अभी, मेरे पास ये स्टोन है, इसको मैं ट्रेड करके आ रहा हूँ, क्योंकि यार मैंने माइनिंग तो भाई बहुत ज्यादा की थी, आपको पता ही होगा। वैसे वो वाली वीडियो मैंने यार वो वाली वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए यार उसके अंदर मतलब बहुत ज्यादा माइन, मैं आपको दिखाऊंगा माइन मेरी। और इस वाले बंदे को मैंने बनाया था नया, और यहाँ पर मैंने दो मैसन बनाए हुए थे, दो मैसन, और इनसे मैं ले लेता हूँ अगर स्टोन के बदले दे रहे हैं तो। हाँ भाई दे रहे हैं, तो ये तो ये वाले लोग तो दे देते हैं। और मेरा एक्सपीरियंस लेवल 22 हो चुका है भाई, मेरे को 30 चाहिए पूरा पूरा। और ये वाला बंदा भी देगा ना, बाकी इसे ले लेते हैं। तो भाई एक स्टैक एमरेल्ड और एक स्टैक एमरेल्ड और हो चुका है। तो भाई मैंने इस तरीके से एमरेल्ड लिए थे, और भाई मेरे पास बहुत लगभग 4 स्टैक एमरेल्ड होने वाला है, और बहुत ज्यादा तो मैं खर्च भी कर चुका हूँ। तो अब मेरे को जो आखिरी चीज है नेदर में जाने से पहले, वो मेरे को चाहिए प्रोटेक्शन। तो भाई प्रोटेक्शन के लिए मेरे को एक बंदे को प्रोटेक्शन वाला बनाना पड़ेगा, चाहे वो मेरे को फायर प्रोटेक्शन, नहीं यार फायर प्रोटेक्शन तो नहीं चाहिए। तो भाई 3 स्टैक, ओ भाई
तीन स्टैक लगभग पूरे होने वाले हैं, और इसके अंदर मेरा ये स्टोन बाकी वापस डाल देता हूँ, ये ब्लॉक्स और खाना तो भाई इसमें डालना पड़ेगा। तो गाइस ये रहे हमारे लेदर सारे के सारे, एक आइटम फ्रेम भी बचा था, पेपर और सारी बुक्स मैंने इसके अंदर डाली हुई है, ये देख लीजिए गाइस सारी की सारी डाली हुई है भाई, बहुत सारी। मतलब मैंने अनब्रेकिंग ले ली थी, ये देखिए गाइस तीन चार तो ले ली थी अनब्रेकिंग, और शार्पनेस भी ले ली थी कई सारी। तो वहां पर तो मैं भाई स्माइट यूज करने वाला हूँ अपने स्वॉर्ड के अंदर, और स्माइट का यूज ये है क्योंकि वहां पे जो ये जो रात वाले ज़ॉम्बीज होते हैं ना, मो सॉरी जो विदर स्केलेटन होते हैं, वो एक बार में मर जाएंगे स्माइट फोर से। अनब्रेकिंग भी डालनी पड़ेगी, अनब्रेकिंग को थ्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, बहुत एक्सपीरियंस लेवल लगने वाला है मेरा अनब्रेकिंग अनब्रेकिंग। तो गाइस अनब्रेकिंग मेरे पास एक और, हाँ एक और है ना, चार होगी अनब्रेकिंग, अब बन जाएगी मेरे पास अनब्रेकिंग थ्री बन जाएगी मेरी, अब स्माइट फोर और अनब्रेकिंग थ्री डाल दूंगा मैं उसके अंदर, और मैंडिंग भी डालनी पड़ेगी भाई। मैंडिंग तो अगर ना डले अभी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले तो मैं अनब्रेकिंग को बना लेता हूँ। तो गाइस अनब्रेकिंग थ्री डाल दी है और स्माइट फोर को मिलाना है, कॉस्ट कितना भाई इससे, छह का कॉस्ट है और इसके अंदर सात का कॉस्ट है। तो पहले मैं अपनी स्वॉर्ड लाके देखता हूँ उसके अंदर कैसे आएगा, मतलब कितना एक्सपीरियंस लेवल लगने वाला है मेरा। तो ये जो हमारी नई स्वॉर्ड है इसको जाके देख इसको देखते हैं इसके अंदर, इस स्वॉर्ड के अंदर अगर मैं पहले ये डालूँ तो छह कॉस्ट तो भाई सीधा ही लग रही है ये इसके अंदर, और अगर ये डालूँ तो चार कॉस्ट, यानी कि पूरा 10 कॉस्ट लग रहा है। तो इससे बढ़िया पहले मैं इसको इसको अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ, छह कॉस्ट में हो रहा है ना ये, और अब इसके अंदर ओ भाई 14 हो गया लेवल, मतलब 14 लगेगा अब भाई, मेरे पास तो 7 ही लेवल है। तो मेरे को लेवल के लिए भाई कुछ और करना पड़ेगा, मैं देख लेता हूँ अपने पास और कुछ है या नहीं है, एक मिनट। तो मैंने आयरन तो स्मेल्टिंग के लिए डाला हुआ है, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला भाई, इतने से 9 हो गया लेवल, और ये खजाना तो मैं इसमें डाल देता हूँ, गोल्ड बचा हुआ है इसको भी डाल देता हूँ इसके अंदर। तो भाई और एक्सपीरियंस लेवल मेरे को अब कहाँ से मिलेगा मैं सोच रहा हूँ, तो या तो मैं नेदर के अंदर ही जाके नेदर वार्ट स्टोर के लाऊँ और उसे करके आऊं तो मेरे को मिल सकता है एक्सपीरियंस लेवल। तो गाइस मैं देख लेता हूँ एक बार, तो अपना मैंने वैसे आयरन का ही आर्मर पहना हुआ अभी, तो यार इसके अंदर अभी एक भी पावर नहीं डलेगी क्योंकि 14 हो गया ना, अगर मैं एक भी डाल लेता पहले ही तो हमारा काम ठीक हो जाता। तो मैं देखता हूँ एक्सपीरियंस लेवल को जुगाड़ करता हूँ वहीं से। तो गाइस अब मैं शुगर केन और पेड़ तोड़ के लाया हूँ, पेड़ एक स्टैक और ये थोड़ा सा और तोड़ के लाया हूँ, मतलब जो पास वाली जगह थी वहीं से तोड़ के लाया हूँ, और पेपर मेरे पास पहले से भी पड़े हैं, इनसे भी ट्रेड करनी पड़ेगी, लेकिन सबसे सभी से नहीं करूंगा मैं ट्रेड क्योंकि मेरे को वो भी बनाने हैं बुक शेल्फ, उसके लिए भी मेरे को चाहिए होगा यार पेपर, मतलब बुक बनाने के लिए भी चाहिए होगा और साथ में ये लकड़ियाँ भी चाहिए मेरे को थोड़ी सी। तो लकड़ियाँ तो मैंने थोड़ी सी छोड़ी हुई हैं और थोड़ी सी और भी बच गई हैं, तो इतनी लकड़ियाँ मेरे सबसे काफ़ी होगी बुक शेल्फ बनाने के लिए, और पेपर मैं थोड़ा सा और ले लेता हूँ वहाँ से। वैसे यार तीन से एक बनता है ना, मेरे को इतना पेपर नहीं चाहिए, एक स्टैक बहुत होगा, और बाकी से भी मैं और पेपर बना लेता हूँ, तो जितना भी शुगर केन है मैं उससे पेपर बनाता हूँ और उससे फिर ट्रेड करके आता हूँ, और फिर देखते हैं हमारे पास एक्सपीरियंस लेवल कितना हो जाता है। तो गाइस स्टिक्स का तो मेरे को मिल जाएगा आसानी से ट्रेड क्योंकि अभी मैंने इनसे ट्रेड नहीं किया था। भाई कितना हो गया लेवल मेरा, भाई इसने ट्रेड देना बंद कर दिया मेरे को, और कोई बंदा देगा क्या ट्रेड मेरे को, वो दे दे भाई। तो भाई इतना ही होगा मेरा, 12 हो गया भाई लेवल, अगर मेरे को 2 लेवल और मिल जाए ना कैसे भी करके तो मेरा बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। वैसे मेरे को यार ये बुक शेल्फ भी तो लेने हैं ना, और यहाँ पे भाई दो दो लाइब्रेरियन फंस गए थे एक बार, मैंने आपको बताया नहीं ये बात, और इन दोनों के साथ एक साथ ट्रेड करना पड़ता है, ये शार्पनेस 2 वाला बंदा एक तो, और एक बंदा दूसरा है ये वाला पेपर वाला है, इसी से कर लेते हैं पेपर की ट्रेड। तो भाई एक्सपीरियंस लेवल 13 तो हो चुका है मेरा, और होपफुली 13 14 भी हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा भाई। भाई भाई भाई, भाई हो गया 14 भी, 15 भी हो गया यार, और अब इसका लेवल भी बढ़ेगा। और ये बुक कौन सी दे रहा है, पंच 2 की भाई, बहुत मतलब बेकार बुक, मेरे को भी नहीं चाहिए पंच 2। तो भाई सब अपने जल्दी से स्पोर्ट को ओपी बनाते हैं और चलते हैं अपने नदर के अंदर, मतलब यार इतना कुछ नहीं हो सकता, ज़्यादा चीज़ें नहीं लगेंगी, तो पहले मैं इसके अंदर डाल देता हूँ ये मैंडिंग। अरे भाई ये नहीं डालनी ना, अगर मैं इसको ऐसे रखूँ तो, पर यार बुक के अंदर से तो डलता नहीं है, और अगर मैं इसके अंदर मैंडिंग डालना चाहूँ तो 9 कॉस्ट लगेगा, और अगर ऐसे डालूँ तो 14। भाई पर मैं ये वाली चीज़ें डाल रहा हूँ, और मतलब मैंडिंग बाद में डाल लूंगा, इतनी जल्दी टूटने भी नहीं वाली है ये,
अगर मर गया तो अलग बात है, और बाकी जितना भी बचा उससे मैं पेपर बना लेता हूँ और अपना जो ये है इसको पूरा करते हैं। तो गाइस मैंने पूरा का पूरा इसको पूरा कर, मतलब इसका लेवल जो है 30 कर दिया है, और ये मेरे को क्या दे रहा है भाई, अनब्रेकिंग एफिशिएंसी। तो मैंने एक नई पिकेक्स ये एक्स बनाई थी डायमंड की, मेरे पास 5 डायमंड बचा था ना उससे, और 2 डायमंड अभी भी बचा हुआ है, इसका देखेंगे आगे क्या करना है। इसके अंदर मैंने अनब्रेकिंग डाल दिया, आयरन की पिकेक्स यही लेके जाने वाला हूँ मैं, ये खतरनाक वाली जो है इसको नहीं लेके जाने वाला हूँ क्योंकि ये मेरे को लगता है गुम हो सकती है, और खतरनाक वाली बो भी नहीं लेके जा रहा हूँ। ये जो अपनी बो है पावर 3 वाली वो ठीक है, और एरोज मैंने ले लिए हैं थोड़े से, एक एमरेल्ड के बदले 16 एरो देता है वो वाला बंदा, मतलब जो अपना क्या बोलते हैं उसको फ्लैचर है वो देता है। और आर्मर के जुगाड़ के लिए मैंने फायर प्रोटेक्शन वाला बंदा तैयार कर रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे को एमरेल्ड चाहिए और बुक्स चाहिए होंगी, तो मैं 3 लगभग 4 बुकें तो लेनी पड़ेगी यार। वैसे 1 मिनट मैं बुक्स ले लेता हूँ अपनी, तो अब मेरे को देखना पड़ेगा कि वो बंदा दे भी रहा है या नहीं दे रहा, क्योंकि वो रात को उससे मैंने कोई ट्रेड नहीं किया था, वो सुबह तक जॉब चेंज कर सकता है। तो ये जो है बंदा फायर प्रोटेक्शन 3 दे रहा है, इससे मैं ले लेता हूँ 2-3 बुकें। अरे भाई देख नहीं रही, और हाँ तो दे दे मेरे को। तो मैंने 5 बुके ले लिया भाई, पता नहीं क्यों लिया लेकिन 5 ले ली, और एमरेल्ड्स मेरा लगभग सारा चला गया, 17 बचा बस। चलो कोई दिक्कत नहीं है, एमरेल्ड्स और ले लेंगे अपने, नादर के अंदर जाके अपने को पूरा मजे से मतलब आराम से जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी फिर। तो पहले तो मैं इनको कंबाइन करके देखता हूँ इससे प्रोटेक्शन कितनी बनने वाली है। तो गाइस एक चीज में प्रोटेक्शन 4 लगा दूंगा मैं, और लेकिन एक्सपीरियंस लेवल तो भाई मेरा खत्म हो जाएगा ना, ये बात है। तो मेरे को अपना ये जो आर्मर है इसको उतार लेना चाहिए अब, और वैसे मैं सब कुछ हटा देता हूँ पहले यहाँ से, और मेरे को लगता है मेरे को शूज है ना ये वाले ले जाने चाहिए अपने गोल्ड वाले, और इसके अंदर मेरे को लगता है अनब्रेकिंग लगानी पड़ेगी। तो चेस्ट प्लेट के अंदर तो मैं प्रोटेक्शन 4 वाली लगाने वाला हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन भाई चेस्ट प्लेट को चाहिए। ओ भाई इसके अंदर ही कॉस्ट 5 लग रहा है यार, भाई कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रहा है यार मेरे को, कॉस्ट मेरे को कुछ करना पड़ेगा एक्सपीरियंस लेवल के लिए, या तो मेरे को कोई फार्म बनाना पड़ेगा अपना, और उसके लिए मेरे को देखना पड़ेगा एक बार। जितना मेरे पास एमरिल्ड है ना इससे मैं एरोस ले लेता हूँ, यार मेरे को इतने एरो चाहिए भी नहीं, मेरे को इन्फिनिटी ले लूंगा ना मैं बाद में, लेकिन मेरे को एक्सपीरियंस लेवल भी तो चाहिए अब। तो मेरे को कोई काम करना पड़ेगा, मेरे को कुछ और ले लेता हूँ मैं, पियर्सिंग और अनब्रेकिंग पावर 2, लेकिन इससे मेरा एमरिल्ड खत्म हो जाएगा भाई। एरो स्लोनेस ले लेता हूँ, एक एमरिल्ड के बदले दे रहा है ये, और थोड़े से एरो ये वाले सिंपल एरोस भी ले लेता हूँ। तो भाई एक्सपीरियंस लेवल 5 ही हो पाया है, और देख लेता हूँ हो जाए तो थोड़ा सा और, 6 हो गया, कोई बात नहीं यार सारे एरोस ही ले लेते हैं, इतने देगा ये वाला बंदा तो, और इससे भी ले लेते हैं एरोस। अब मैंने इतने ले ही लिए हैं तो और ले लेता हूँ, 1 मिनट ये वाले ले लेता हूँ पॉइजन वाले एरो। तो भाई 7 हो चुका है लगभग, और अब देखते हैं हमारा काम हो पाएगा या नहीं। तो भाई देखते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर तो मेरे को डालनी है प्रोटेक्शन 4, और मेरा एक्सपीरियंस लेवल भाई 2 बचा है भाई, बहुत बढ़िया। 3 कोस्ट चाहिए इसको करीब, मेरे को एक दो चीजों में तो यार एक दो चीजों में तो प्रोटेक्शन डाल के जाऊंगा मैं कम से कम भी। तो हमारी चेस्ट प्लेट तो तैयार हो चुकी है डायमंड की ये वाली, और ऐसा भी हो सकता है कि मैं नेदर में जाते ही मर जाऊं, वो वाला सीन तो भाई बिल्कुल गलत हो जाएगा, लेकिन मेरे को भाई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और एक्सपीरियंस लेवल लाना पड़ेगा कहीं से, तो मैं देखता हूँ। तो गाइस मैं अपने काओ वाले फार्म में गया था, वहां पे मैंने काओस को पहले तो ब्रीड किया और फिर उनको मार दिया, तो एक्सपीरियंस लेवल मेरा 6 6.5 हो चुका है लगभग, और बीफ भाई मेरे को 30 मिल चुका है, इसको भी मैं रख देता हूँ। और अब करते हैं अपने एन्चेंटमेंट बाकी की, देखते हैं एक या फिर एक हो जाएगी या फिर 2 हो जाएगी, तो इससे प्रोटेक्शन लग गई भाई। 3 एक्सपीरियंस लेवल अभी भी बचा हुआ है, तो मैं इसके अंदर डाल दूंगा हेलमेट के अंदर भाई, बहुत बढ़िया काम हो गया ये हमारा। तो अब मेरे को जूते, यार मैं एक एनविल को भी साथ में लेके जाऊँ क्या? तो भाई मैं एनविल को भी साथ में लेके जा रहा हूँ यार, क्योंकि अगर इस शूज की हेल्थ कम होगी ना इनकी तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो हम पूरे तरीके से तैयार है भाई, और अब बस मेरे को थोड़ा सा गोल्ड लेना है ताकि मैं मतलब वहां पे जाके कोई दिक्कत ना आए, और इसको मैं अगर शूज भी अगर इनकी हेल्थ शूज की हेल्थ कम हो चुकी हो गई तो मैं इनको रिपेयर भी कर पाऊंगा। और बाकी अपना आखिरी चीज देख लेते हैं आखिरी में कि हमारे पास पूरी तैयारी हो चुकी है क्या, क्योंकि यार हमको एक बार ही जाना है, मैं तो यार ज्यादा बार जाता नहीं हूँ नेदर के अंदर, और शील्ड हमारी हमको पहन के रखनी है भाई। और बस आखिरी चीज जो है वो टॉर्चेज है, टॉर्चेज लेनी है मेरे को काफी सारी, वो भाई ज्यादा ही होगी ये तो, और थोड़े से मेरे को बनानी पड़ेगी स्टिक्स,
ताकि मैं लग सकूँ टॉर्चेस। तो जल्दी से टॉर्चेस बनाते हैं और चलते हैं फिर नेदर के अंदर। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं नेदर के अंदर और मुझे लगा था मैं सब कुछ ले आया हूँ, लेकिन भाई में कोई भी बिल्डिंग ब्लॉक तो लाया ही नहीं था, तो मेरे को वापस जाना पड़ा और फिर मैं बिल्डिंग ब्लॉक लेके आया हूँ। तो पहले तो इस स्केलेटन का काम तमाम करते हैं वरना बाद में ये बहुत दिक्कत देगा। मर गया भाई एक के अंदर ही। चलो अपना एरो वापस ले लेते हैं वाला। और यहाँ पर थोड़ी सी सोल सैंड है, मतलब इससे यार दिक्कत आ जाती है। तो पहले तो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ अपने नेदर के। और वैसे यार मैं फ्लिंट एंड स्टील भी नहीं लेके आया, अगर मैं यहाँ पे अगर कोई कास्ट आ गई ना तो दिक्कत हो जाएगी। और पहले मेरे को इसके इनका इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। और ले लिया भाई स्क्रीनशॉट। तो गाइस अब मेरे को आगे जाकर देखना है कि अगर मेरे को कुछ मिलता है या नहीं। बस मेरे को मरना नहीं है यार, मेरे को अगर मैं मर गया ना नीचे जाऊंगा तो मैं पक्का मरूंगा, क्योंकि नीचे तो यार लावा ही होगा, मुझे पक्का पता है वो भाई लावा ही है नीचे। स्ट्राइडर भी वैसे घूम रहे हैं लेकिन मेरे पास स्ट्राइडर नहीं है, तो मैंने फिशिंग भी नहीं की अभी तक। तो मैं इस साइड जाके देख रहा हूँ। ओ भाई 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 भंगा पड़ सकता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा लावा तो नहीं है ना यहाँ पे। हाँ लावा नहीं है क्योंकि मेरे शूज़ के अंदर भाई कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। ओ भाई भाई कोई मार रहा है मेरे को। कहाँ गया ये स्केलेटन? ये ले ये ले, गास्ट आ चुकी है भाई, मेरे को गास्ट की आवाज़ आई। देखते हैं कहाँ है गास्ट और देखते हैं यार मेरे को कुछ ना कुछ तो चाहिए मतलब। और ये बोन का होता है ना मेरे हिसाब से, याद नहीं आ रहा मुझे, एक तोड़ के देखता हूँ। ये शायद वो होता है पिल्लर, भाई बोन का ही होता है ये, बोन ले लेता हूँ मैं थोड़ी सी। नजर के अंदर आए हैं तो फिर लूट ही लेते हैं थोड़ा सा इसको, और थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेवल भी ले लेता हूँ वैसे मैं, क्योंकि मेरे को घर पे जाके जरूरत पड़ती रहती है। और इसकी वैसे ट्रेड भी होती है क्वार्ट्स की, लेकिन यार इसके लिए मैं अलग से आ सकता हूँ नदर के अंदर लेने के लिए। तो यार मैं अभी इसके साथ और नहीं लूंगा, ये इतने ले रहा हूँ और ये वाले ब्लॉक्स मैं दोनों ले लेता हूँ। तो यार मैं अपनी पिकेक्स की हालत यार ज़्यादा कम कर रहा हूँ और मेरे को लगता है गड़बड़ हो जाएगी, तो मैं आगे जाकर देखता हूँ कुछ मिलता है तो। तो गाइस मैं आ चुका हूँ नदर नदर फोर्ट्रेस के अंदर। और भाई मेरे घर के ज़्यादा दूर तो नहीं था लेकिन भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, क्योंकि मैं जी अभी ब्रिज बना रहा था ना आने के लिए, तब ऊपर भाई एक वो आ गई थी गास्ट मेरे को मारने के लिए। तो मैंने चार पांच गास्ट को तो मार दिया था और एक गास्ट अभी लास्ट में भी मेरे पीछे पड़ गई थी। मेरे भाई ब्लॉक ही खत्म हो गए और वहाँ से मैंने सीधा जंप मार के यहाँ पे आया हूँ। और आते ही मेरे को यहाँ पे चेस्ट दिख गई है, वैसे यहाँ पे मेरे पास ब्लॉक्स खत्म हो चुके हैं इसलिए मैंने यहाँ से तोड़ लिया थोड़े से। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़े से और तोड़ लेता हूँ यहाँ से ब्लॉक्स, क्योंकि मेरे को ब्लॉक्स की जरूरत तो मेरे को पता पड़ने वाली है। और ये वाले ब्लॉक्स तोड़ लेता हूँ, वैसे ऊपर से कोई स्पॉन होकर नीचे भी गिर सकता है तो मेरे को दिक्कत भी आ सकती है, लेकिन अभी एक बार के लिए मैं ले लेता हूँ। और इसके अंदर भाई गोल्ड का सामान है और मेरे को अपनी स्वॉर्ड निकाल लेनी चाहिए भाई। भाई यहाँ सामने एक तीरंदाज तो खड़ा है और इसको मारना पड़ेगा। पहले मैं अपनी हेल्थ पूरी कर लेता हूँ और फिर देखते हैं। तो गाइस मेरे को क्या करना है, मेरे को ब्लेस स्पॉनर ढूंढना है जल्दी से जल्दी, और बस ब्लेसिस को मारने के बाद में सीधा यहाँ से भाग जाना है। तो भाई यहाँ पर कोई चीजें हैं यहाँ पे काफी सारी। भाई यहाँ पे जस्ट तो भाई वो स्केलेटन आ चुका है इधर, भाई फैक्ट्री दे दी ऐसे मेरे को, मर जा भाई। और अगर मैं यहाँ पे मर गया तो भाई दिक्कत आ जाएगी बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं प्रोटेक्शन तो पहन के नहीं आया हूँ, फायर प्रोटेक्शन पहन के आया हूँ भाई। नादर वाट मिल चुका है और अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ प्लेसेस चाहिए, और भाई मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि मेरे को नादर वाट मिल चुका है। और सोल सैंड में आराम से ले लूंगा घर के पास से ही, और मेरे को यार घर का रास्ता भी याद करना पड़ेगा। नादर वाट गाइस यहाँ पे भी बहुत सारी है और मेरे को बस अब वो ढूंढने हैं ब्लेसिस। तो अब मैं ढूंढता हूँ और आपको दिखाता हूँ फिर। तो गाइज अभी मैं यहाँ पे जल्दी से आ चुका हूँ और मैंने साइड से रास्ता बंद कर दिया है इसका यहाँ पे नदर वाक लगा के। और यहाँ पर ब्लेस स्पॉनर भी है जिसके ऊपर मैंने टॉर्च लगा दिया है, लेकिन फिर भी आ रही है स्पॉन हो जा रही है पता नहीं क्यों। और मेरे को पांच ब्लेस रोड तो मिल भी चुके हैं, यहाँ पे पहले से चार पांच घूम रहे थे और रस्ते में भी मेरे को मिले थे और उनको मैंने मार के ले लिया है। पांच तो मेरे पास हो चुकी है ऑलरेडी और यहाँ पर ये कोर स्पॉन हो चुका है, तो मैंने इनका रास्ता तो बंद कर दिया बाहर जाने का, वो ये भाग नहीं सकते यहाँ से। अरे भाई भाई इसने मेरे को डैमेज दे दिया, लेकिन मेरे पास फायर प्रोटेक्शन 4 है और बाकी सारी चीज़ें भी हैं तो मेरे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको भी मैंने मार दिया, तो अब ये थोड़े से कम कम स्पॉन होएंगे इसलिए मेरे को दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा।
अभी मेरे पास 5 है, मैं थोड़े से ज्यादा लेके जाऊंगा यहाँ से ताकि मैं वापस मेरे को बार बार ना आना पड़े। काफी दूर आने के बाद में मेरे को ये मिला है भाई, और अब मेरे को बस ऐसे प्लेसेस कलेक्ट करनी है और जल्दी से कलेक्ट करते हैं। एक्सपीरियंस लेवल तैयार हो चुका है क्योंकि मैंने कई सारे रास्ते में उनको मारा था, विदर स्केलेटन्स को और सिंपल वाले स्केलेटन को भाई, दो दो आगे एक साथ, दो दो आगे भाई, दो दो आगे मारना पड़ेगा दोनों को। एक और मिल के ब्लेज रोड मार दिया दोनों को, और फायर प्रोटेक्शन भाई इसीलिए लगा के लाया था मैं क्योंकि बहुत ज्यादा फायदा होता है भाई इस जगह पर उसका। मेरी हेल्थ बिल्कुल भी नहीं कट रही है, लेकिन आर्मर गोल्ड वाला कम हो रहा है थोड़ा सा भाई। एक और स्पॉन हो गया यहाँ पे भाई, मैं उसको स्वॉर्ड उससे मारने लगा था पिकेक्स से अपनी। एक और ब्लेज रोड मिल गई भाई, बहुत बढ़िया। अभी हमारा कुछ नहीं उगा सकते क्योंकि हमने फायर प्रोटेक्शन पहन रखी है ना, तो ये चीज भाई बहुत आसान हो जाएगी यहाँ पे। अब की बार 8 हो चुकी है भाई मेरे पास इतनी जल्दी, और अब मैं थोड़ी सी और ले लेता हूँ और फिर चलेंगे भाई घर पे वापस। और ये मेरे को मिल चुका है नेदर वाट, आराम से हम पोशन बना सकते हैं। ब्रूइंग स्टैंड तो हमारे पास वैसे पहले से ही है विलेज के अंदर, तो ब्रूइंग स्टैंड बनाने की तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी एक ब्लेज रोड हमारी वैसे भी बच जाएगी। वो भाई पीछे से स्लाइम भी आ रही है, तो मेरे को वैसे पीछे से भी रास्ता बंद कर देना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। एक और स्पॉन हो गया, मार ले भाई तू पहले मेरे को, ये ले ये। अरे भाई भाग मत, इसने नहीं दी भाई। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आया मैग्मा क्रीम, तू मेरे को पोषण दे दे क्या पता, मतलब इसके पास से वो मिलती है ना स्लाइम, स्लाइम क्या सॉरी मैग्मा क्रीम, अगर वो मिल जाती ना तो फायदा हो जाता हमारा, क्योंकि उससे हम पोषण बना सकते हैं ना फिर। इसने तो नहीं दी भाई स्लाइम, मतलब जो अपनी क्रीम होती है मैग्मा, मैग्मा क्रीम मिल जाती तो हम फायर रेसिस्टेंट का पोषण बना सकते थे और लावा में भी तैर सकते थे फिर। इसको आग फेंकने से पहले ही मार दूंगा मैं, अभी भी नहीं मिली भाई ब्लेज रोड। तो मेरे को भाई लगभग 15-20 ब्लेस रोड चाहिए और उसके बाद हम चलेंगे यहाँ से। तो पहले मैं कलेक्टर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो गाइस अभी मैं जल्दी से नदर में जाके भाई आ चुका हूँ वापस, और ये देखिए गाइस मैंने कितने मतलब इतना आर्मर की हेल्थ इतनी इतनी हो चुकी है डायमंड वाले की, और गोल्ड वाला तो खत्म ही होने वाला था भाई। और ब्लेज रोड मेरे को 19 लेके आया हूँ मैं क्योंकि मैं मरने वाला था भाई, फिर मैं जल्दी से वहां से भाग आया। और लास्ट में जाते जाते मेरे को गास्ट मिली जिसको मैंने मारा, तो मेरे को गास्ट ईयर भी मिल गया। और भी मेरे को दो तीन चीजें मिली थी ना, ये सैडल मिला था और ये मिला था। तो पहले तो मैं इस नेदर वार्ट को उगाने वाला हूँ, तो इसको उगाने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि अपने घर के पास में उगा लेता हूँ यहाँ पे ही बाहर। तो मैं बाहर उगाने वाला हूँ यार नेदर वार्ट को, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा रोशनी में, वैसे मुझे लगता है कि ये रात में ज्यादा तेज उगता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे उग जाएगा तो भी कोई मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे बस मैं ज्यादा में नहीं उगाने वाला हूँ, इतने में उगाऊंगा, बस मेरे पोशन बन जाए इतना ही मेरे को जरूर। मेरे को बस ड्रैगन को मारने जाना है अब गाइस हम ड्रैगन को मारेंगे सीधा, अपने पोशन तैयार करेंगे। पहले तो प्रोटेक्शन वाली एक एनचेंटमेंट होती है, मतलब वो ले लेंगे प्रोटेक्शन वाली सभी के अंदर। प्रोटेक्शन लेने के बाद में, और प्रोटेक्शन 4 होती है वैसे, वो लेंगे सभी के अंदर और फिर ड्रैगन को मारने चलेंगे भाई सीधा, क्योंकि ब्लेज रोड हम ले आए हैं फुल सारी और इससे हम आराम से बना सकते हैं क्या बोलते हैं उसको हमारा, यार मैं भूल गया उसको, मतलब बेस पाउडर बना के आई ऑफ एंडर बना के बना सकते हैं और जा सकते हैं आराम से एंडर ड्रैगन को मारने। तो जितना भी हमारा फालतू का सामान है वो इसके अंदर रख देता हूँ, और अगले पार्ट में हम थोड़े से मतलब उनको मारेंगे, ओ सॉरी मारेंगे क्या, अपने प्रोटेक्शन वाली बुक लेंगे और आगे का काम करेंगे। ये जो फैदर फॉलिंग है ये लगाएंगे, मैंडिंग लगाएंगे, आर्मर तैयार करेंगे अपना डायमंड का, इनको मैं डिसएन्चेंट कर दूंगा सभी चीज़ों को, फायर प्रोटेक्शन वाली चीज़ों को। वैसे मुझे पता है इनको नहीं करना चाहिए, इतनी महंगी महंगी बुक्स हैं ये, लेकिन अब मैं नदर में वापस नहीं जाने वाला हूँ, मेरे हिसाब से तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि यार ये वाली सीरीज जब खत्म हो जाएगी ना तो इस लास्ट चीज में विदर को मारूंगा, और विदर को मारने के बाद में हम थोड़े से फार्म बनाएंगे अपने ऑटोमेटिक और फिर इस सीरीज को खत्म कर देंगे भाई। तो मैं नदर में तो शायद नहीं जाऊंगा अब की बार यार, जाना पड़ेगा नदर के अंदर भी मेरे को वो लेने के लिए क्या बोलते हैं उसको, तो उसके लिए मेरे को यार फायर प्रोटेक्शन की तो कोई जरूरत नहीं है, या फिर पड़ेगी शायद मेरे को यार डायमंड और लाने पड़ेंगे एक और आर्मर बनाने के लिए। तो गाइस मैं और काम करूंगा, और ये वाला काम मैंने कर लिया अपना नेदर वाला, फुल सारी मैं ब्लेज रोड ले आया हूँ और सारा काम हमने पूरा किया। तो यार होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आज की वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।